सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आखिर हमें किन 6 बीमारियों में अदरक नहीं खानी चाहिए, यानी कि किन 6 बीमारी वाले लोगों को अदरक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग अदरक का सेवन करते हैं तो उनकी बीमारी और अधिक बढ़ सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आखिर कौन सी वो 6 बीमारियां हैं जिनमें हमें अदरक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनका वेट काफी कम है उन लोगों को भी अदरक नहीं खानी है, क्योंकि वो लोग अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, अपना मसल बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें अदरक बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए और ना ही उन लोगों को अदरक की चाय पीनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो लोग काफी मोटे हैं और पतला होना चाहते हैं तो वो लोग अदरक का सेवन कर सकते हैं। जिनको हीमोफीलिया है, या ये कहें कि जिनके शरीर में ब्लड का फ्लो ऐसे ही होने लग जाता है, उन लोगों को भी अदरक नहीं खानी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी अदरक नहीं खानी है, क्योंकि अदरक की तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है। और आप लोग अगर महिलाएं हैं तो आप लोगों को ये पता होगा ही कि प्रेगनेंसी के टाइम पर गर्म चीजें नहीं खाई जाती हैं। तो अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं तो अदरक का सेवन आप लोग बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिनको हाई बीपी बहुत ज्यादा रहता है उनको भी अदरक नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अदरक खाने से हाई बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अदरक का काम खून को पतला करना है, लेकिन अगर आप लोग हाई बीपी की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी आपके खून को पतला करने का काम करती है, और अगर आप उसके साथ अदरक का सेवन भी करते हैं वो भी आपके खून को पतला करने का काम करती है। अगर आप लोग इन दोनों चीजों को साथ लेते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आप लोग अगर हाई बीपी के पेशेंट हैं तो आप लोग अदरक का सेवन ना करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, उन लोगों को खाली पेट अदरक की चाय नहीं लेनी चाहिए जिनको एसिडिटी बनती है, या ये माने कि जो लोग एसिडिटी से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, जिन्हें कुछ भी खाते ही एसिडिटी हो जाती है, उन लोगों को भी अदरक नहीं खानी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिनके भी स्किन में इन्फेक्शन रहता है, यानी कि फेस पर खुजली होती है या बॉडी के किसी भी अंग में इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली हो जाती है या लाल चटके से हो जाते हैं, तो उन लोगों को भी अदरक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 6 बीमारियां जिनमें आप लोगों को अदरक नहीं खानी है। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो आप लोग अदरक का सेवन ना करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग काफी ज्यादा हेल्थी हैं तो आप लोग अदरक का सेवन जरूर करें, क्योंकि अदरक का सेवन करने से आप लोगों का फैट काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा जिनकी बॉडी में खून के थक्के जमते हैं उन लोगों को भी अदरक का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिन्हें जॉइंट पेन है उन लोगों को भी अदरक का सेवन जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी कि आखिर में किन 6 बीमारी वाले लोगों को अदरक नहीं लेनी है। अगर वो लोग अदरक लेते हैं तो उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इन 6 बीमारियों में से किसी भी चीज के पेशेंट हैं तो आप लोग अदरक का सेवन बिल्कुल भी ना लें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।